हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीवा प्रेप्स. और मैं हूँ नेहा. सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आई मेकअप. अब आप सोच रहे होंगे कि आई मेकअप क्या है. ये जिन लोगों को बहुत आफत लगती है कि कहीं बाहर जाना लेकिन मन नहीं कर रहा, और अगर मन कर भी रहा है तो समझ में ही नहीं आता, इतने सारे शेड्स होते हैं, ये वाला शेड लगाएं, ये वाला लगाएं, या सब बिगड़ जाता है. तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा वीडियो है ये आई मेकअप का, जिसे आप डेली अगर आप जाते हो बाहर, वहाँ पर भी आप जाते टाइम आप तब भी उस मेकअप को कर सकते हो. और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो और ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहते तो भी आप इस मेकअप को कर सकते हो. सो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आपको आई मेकअप से पहले ध्यान रखना है कि आपका जो आँखों का जो बेस है, मतलब जो आई, ये जो पलके हैं, आईलेट कहलाती है, इसका जो बेस है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक इवन होना चाहिए. तो आपका जो आई का जो आपका जो आई शेड का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा दिखेगा, बहुत फ्रेश दिखेगा, ठीक है. सो उसको आप करने के लिए आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो, या कंसीलर नहीं यूज़ करना चाहते तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो. तो चलिए शुरू करें. तो मेरे पास यहाँ कंसीलर है मेबीलिन का, तो मैं ये यूज़ करूँगी. थोड़ा पास आ जाती हूँ ताकि आपको दिखे. तो मैं मोबाइल में ही देख रही हूँ, मैं कैमरे की तरफ. मैं इसे हाथों से ही स्मच करूँगी, कोई टूल मैं यूज़ नहीं करूँगी. आप चाहें तो अपना ब्रश, मेकअप ब्रश या मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं. मैं ज़्यादातर अपने हाथों का ही यूज़ करती हूँ मेकअप करने में, ब्रश का मैं कम ही करती हूँ. ब्रश भी है बट अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बहुत हल्के हाथ से. मैं ये वाली फिंगर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को पता है ये वाली फिंगर यूज़ करनी चाहिए हमेशा. सो देखिए ये फ़र्क दिख रहा है ना, है ना. सो या ये हो गया हमारा बेस तैयार. नाउ आप जब आप डे आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो अगर, या फिर आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि ये वाला शेप भी अच्छा लग रही है, ये वाला शेप भी अच्छा लग रहा है, डार्क शेप भी अच्छा लग रहा है, लाइट भी अच्छा लग रहा है, ये लगाएं या वो लगाएं, तो सबसे सिंपल सा है, हमेशा शुरुआत करिए हमेशा न्यूड शेड से, लाइट ब्राउन या ब्राउन शेड से. तो यहाँ पर मैं ब्राउन शेड ये वाला यूज़ कर रही हूँ. तो मैं यहाँ पर हाथों से ही यूज़ करूँगी, मैं आपको हाथों से ही बताती हूँ आज करना. गाइस कैमरा पे हो सकता है लाइट में आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मैं एक आई का करके, एक तरफ का करके बता रही हूँ ताकि आप खुद ही डिफरेंस पता कर लेंगे कैसा दिख रहा है. ये जो क्रीज है, क्रीज कट करिए आप, क्रीज कट करनी है. देखिए आपको दिख रहा है, क्रीज कट किए हैं. सो ये मैंने सिंपल सा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं किया, आपको दिख ही रहा है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा है. देखो फिर भी थोड़ा अंतर पता लग रहा है, सी, है ना. सो अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि एक हमेशा न्यूड शेड यूज़ करना है, लाइट शेड कोई सा भी, न्यूड लाइट दिन के लिए हिसाब से. और आपकी जो आईज है इसको क्रीज को कट करना है, हमेशा यहाँ लगाना, फिर उसके बाद हल्का 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 यहाँ पे स्मच कर देना है. तो बिल्कुल स्मच जो मेकअप है, जितना ब्लेंड करोगे ना उतना अच्छा दिखेगा, ठीक है. तो ये मैंने अच्छे से कर लिया है, ठीक है. अगर ये था स्टेप वन, अगर आपको इसके बाद नहीं करना तो आप ऐसे भी करके जा सकते हो. ना अगर आपको एक और शेड ऐड करना है ना, तो आप एक शेड इससे थोड़ा सा डार्क लीजिए. तो पहली बात तो है कि आपको न्यूड शेड यूज़ करना है, लाइट शेड डिन के टाइम में. और दूसरी बात ये कि जब आप सेकंड शेड अप्लाई करने की सोच रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपने पहले जो शेड लिया उससे एक शेड थोड़ा सा डार्क लेना है, और वो आप कोई सा भी ले सकते हैं. सो ये यहाँ पर बहुत हल्का दिख रहा है कैमरे पे, बट एक्चुअली बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका शेड बहुत अच्छा आया है. तो यहाँ पर मैंने ब्राउन लिया था, नाउ मैं ये वाला शेड ले रही हूँ. मैं इसे कहाँ लगाऊंगी, मैं इसे भी, तो ये शेड में यहाँ पर ये जो आई बॉल है यहाँ लगा लेंगे,
मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ इस शेड को. आप चाहें ना तो ये जो लिड है ये जो नीचे आपके आई लाइनर साइड है वहाँ पर भी सब इस आप इसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको कॉर्नर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये मैंने ये देखिए हल्का सा तो दिख ही रहा है आपको. हाँ इसको मैं स्वच्छ कर लूँगी. ये हो गया है कंप्लीट. सो आपको अंतर दिख ही रहा है अभी ना, ये और ये देखिए. इस पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस पे मैंने देखिए किया है. अब चलते हैं तीसरे स्टेप पे. अब अगर आपको इसको थोड़ा और हैवी लुक देना है, ये तो था डेली डे मेकअप है, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है डे, आपको कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल सा आई लाइनर लगाएंगे और आप हाईलाइटर आएंगे, आप हाईलाइटर को ये हाइलाइटर आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में थोड़ा और थोड़ा थोड़ा हैवी भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिन में भी आप लाइटली यूज़ कर सकते हैं आँखों के कॉर्नर में. या मैंने सिर्फ यहाँ अप्लाई किया है, यहाँ नहीं लगाया है, इसके नीचे भी लगा सकते हैं. बहुत अच्छा वो है, इसका जल्दी मैं रिव्यू भी करूँगी. देन ये मैंने बहुत बेसिक सा मेकअप किया है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये है. अब इसको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, अगर आपको इसको और हैवी बनाना है तो आप एक शेड और डार्क, या तो आप ब्लैक ले लीजिए या मरून ले लीजिए या कोई सा भी डार्क या शिमरी ले लीजिए. अगर रात का टाइम है तो आप शिमरी शेड यूज़ कर लीजिए. तो मैं यहाँ पर ये मरून शेड यूज़ कर रही वाला. देखिए मैं वी शेप दे रही हूँ उसे. सभी पूरा दिख रहा है अब, अच्छे से दिख रहा है. तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे आई मेकअप करना है. मतलब जिनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या होती क्या चीज़ है, ये उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा. और आप मुझे बताना भी कि अगर आपको क्या, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको कितना, आपको आई मेकअप करना कैसा लगता है और आप किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं और कौन सा तरीका है आपका, या जो भी आपके ट्रिक्स, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं, तो आप प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है तो अब बारी आती है मस्कारा की. सो मैं यहाँ पर ये वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, सेंसेशनल मस्कारा. सो ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है अगर आप फॉल्स आईलैशेस यूज़ नहीं करना चाह रहे या आपको बहुत डेंस लुक दिखाना है. तो ये मुझे ये इतना पसंद है ये मस्कारा, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे. तो इसको हमें कैसे लगाना है, मस्कारा लग चुका है यहाँ पे. अब बारी आती है लाइनर की. आप चाहे तो काजल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लाइनर यूज़ करना चाहते हो आप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आप प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ. तो मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं है, तो मैं बहुत बहुत पतला लाइनर लगा रही हूँ. सो ये मैंने हल्का सा मैंने विंग लगाया है. सो हो गया हमारा मेकअप. सो अब आप देख रहे हैं फर्क. फर्क है ना. तो ये बहुत ही सिंपल सा था एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा और आप क्या नया चाहते हैं, आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. तो नॉट अ बैड लुक. सो गाइज मैंने एक साइड का इसलिए किया है ताकि आपको अंतर पता चले. ठीक है सो गाइज ये था आज का बहुत सिंपल सा आई मेकअप, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये मेकअप भी बहुत सिंपल सा समझ में आया होगा. आप ट्राई करना और प्लीज़ मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साथ में
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा गाइस. और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस, आई रियली नीड योर सपोर्ट. सो गाइस, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच. एंड इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए. और मैं मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.